पहले टेस्ट में धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया को मिली तीन तीन सबसे बड़ी खुशखबरियां, जिसमें एक खुशखबरी ऐसी जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठोगे। एक जीत ने बदल दिया पूरा खेल। WTC पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया का कहर। इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका। भारत की लगी लॉटरी। चल गया नया बॉलिंग कोच का जादू। रोहित गंभीर हुए खुश। तो ऐसे में दोस्तों क्या कुछ तीन तीन बड़ी खुशखबरियां मिली है और कैसे दोस्तों टीम इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ चुकी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप ये दोस्तों टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई में खेला गया। इस मुकाबले को दोस्तों टीम इंडिया ने 280 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया है। ऐसे में दोस्तों भारत टीम ने जो बांग्लादेश के खिलाफ यह सीरीज खेली है, इसका पहला मुकाबला 19 से 23 सितंबर के बीच चेन्नई में खेला जा रहा था, जो कि यहां पर दोस्तों काफी जल्दी खत्म हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 376 रन बनाए, जिसके जवाब में दोस्तों बांग्लादेश 149 रन पर ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया 287 रन बनाती है और फिर दोस्तों बांग्लादेश 234 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसके बाद दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को 280 रनों से जीत जाती है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को भली जीती है, लेकिन टीम इंडिया को इसके साथ ही एक दो नहीं बल्कि दोस्तों तीन तीन बड़ी खुशखबरियां मिलती है। कौन कौन सी आई जानते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। पहली जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों, वो खुशखबरी है WTC का पॉइंट्स टेबल। दरअसल दोस्तों WTC के पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों टीम इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद है। इस समय टीम इंडिया दोस्तों पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की स्थिति में बनी हुई है। टीम इंडिया के दोस्तों इस समय 71.67 पॉइंट्स है, इसके बदौलत यहां पर दोस्तों टीम इंडिया टॉप पर है। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम मौजूद है, जिसके 62.5 पॉइंट्स है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अफकोर्स न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, जिसके 50 पॉइंट्स है, जो दिखाता है दोस्तों कि टीम इंडिया पूरी तरीके से WTC पॉइंट्स टेबल को डोमिनेट कर रही है। वहीं यहां पर दोस्तों जिस तरीके से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, कंफर्म है कि दोस्तों टीम इंडिया फाइनल भी खेलेगी। वहीं दोस्तों अगली जो यहां पर खुशखबरी है वो है दोस्तों ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत फाइनली 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे। सबके मन में एक सवाल था कि क्या ऋषभ पंत अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, चोटिल हुए थे, क्या चोट से वापस आएंगे। तो ऋषभ पंत ने दोस्तों उन सभी सवालों का जवाब अपने बल्ले से दे दिया है। सेकेंड इनिंग में उन्होंने 128 गेंदों पर 109 रन बनाकर बता दिया। जो ऋषभ पंत एक्सीडेंट के पहले थे, वे ऋषभ पंत अभी भी मौजूद है, यानी कि दोस्तों उनके खेल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। टीम को अभी भी उसी तरीके से डरना चाहिए था जिस तरीके से पहले उनसे टीमें डरती थी, और भारत टीम उनके दम पर जीतने वाली है। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया को ये दूसरी खुशखबरी मिली है। वहीं दोस्तों बात करें अगर तीसरी खुशखबरी की, तो दोस्तों तीसरी खुशखबरी है दोस्तों टीम इंडिया के बॉलिंग कोच से रिलेटेड। जब मोर्ने मोरकल आए थे तो सबके मन में सवाल था कि क्या मोर्ने मोरकल अच्छी कोचिंग कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कोचिंग करी थी और वहां पर दोस्तों उन्होंने अच्छी कोचिंग नहीं दी थी पाकिस्तान को। और सबके मन में भी सवाल था कि शायद पाकिस्तान जैसा हालत भारत का भी हो सकता है बॉलिंग में, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों उन्हें कोचिंग दिया, कमाल का यहां पर दोस्तों उनकी कोचिंग का प्रदर्शन हमने देखा। भारत टीम के बॉलिंग से यहां पर दोस्तों कंफर्म हो गया है दोस्तों कि टीम इंडिया को एक अच्छा बॉलिंग कोच मिला है। खासकर दोस्तों पहली इनिंग में जिस तरीके से दोस्तों करीब करीब 8 विकेट तो फास्टर बॉलर ही ले गए थे। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया आने वाले समय में दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल